शुरू करता हूँ जात के नाम से, जो कहता है हो जा तो बस हो जाता है। दोस्तों, बिहार गवर्नमेंट के वेबसाइट पे इंटरमीडिएट सेशन 2022-2024 का जो पहला मेरिट लिस्ट है वो जारी हो गया है। तो हम उसको कैसे चेक करेंगे? मान लीजिए कि हमारा पहले मेरिट लिस्ट में नाम आ गया और हमें जो भी कॉलेज दिया है उन्होंने वो पसंद नहीं आया, तो उसको कैसे चेंज करेंगे? उसको कहते हैं स्लाइड अप। तो उसको चेंज कैसे करेंगे? ठीक है, तो बिना देर किए आइए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, गूगल पे सबसे पहले हम सर्च करेंगे OFSS, ठीक है, लॉगिन। जैसे ही हम सर्च करेंगे तो सबसे पहला जो ऑप्शन आएगा हमारे पास OFSS, ऑनलाइन फैसिलिटी सिस्टम फॉर स्टूडेंट, उस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमें बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर ले जाएगा और हमारे सामने एक इंटरफेस खुलेगा। इंटरमीडिएट में नामांकन हेतु आवेदन करने वाले आवेदक यहाँ क्लिक करें, लॉगिन करें, ठीक है। तो हम यहाँ क्लिक करेंगे तो हमें यूज़र आईडी पासवर्ड के लिए OFSS के लॉगिन के साइट पर ले जाएगा। और यहाँ पे हम यूज़र आईडी में अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और पासवर्ड हमें मोबाइल पे शेयर किया गया होगा जब हम फॉर्म फाइल किए होंगे, तो हम इसमें डाल के लॉगिन कर लेंगे। जैसे ही हम लॉगिन करेंगे तो हमारा जो OFSS का इंटरफेस है कुछ ऐसा दिखेगा। जो साइड में जो लाल पट्टी दिख रहा है आपके, सबसे नीचे जो डाउनलोड इंटीमेशन है उस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक नया टैब खुल करके और एक PDF फॉर्मेट आ जाएगा। और नीचे आएंगे जब हम चार नंबर कॉलम पे तो यहाँ देखेंगे हम कि हमें लिखा हुआ है कॉ प्लस टू विद्यालय महाविद्यालय का नाम UHS, जो भी आपका नाम हो वहाँ लिखा होगा आप मेरिट लिस्ट में, जो भी आपका नाम आया हो, ठीक है। मान लीजिए कि जो भी आपका नाम आया वो आपको कॉलेज पसंद नहीं है, अगर हमें उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना है तो फिर हम इसे क्लोज़ करेंगे और इस टैब को क्लोज़ करेंगे, फिर वहीं आ जाएंगे लाल पट्टी पे। उसी लाल पट्टी में हम देखेंगे कि हमें साइड अप सिलेक्शन का ऑप्शन दिया हुआ है, हम उस पर क्लिक करेंगे। और जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक ऑप्शन खुलेगा कि मैंने साइड अप प्रक्रिया को अच्छे से समझ लिया है एवं साइड अप पर प्रक्रिया में भाग लेना चाहता या चाहती हूँ। उस पर क्लिक करके OTP जनरेट करेंगे, सबमिट कर देंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारे आने वाली जितनी अपडेटेड वीडियो है आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जज़ाकअल्लाह।